चीज़ों की जानकारी होती है, जैसे कि दूसरों की अपन लोगों को संस्कृति का पता चलता है, उनकी रहने सहने का पता चलता है और उनकी भाषा का भी पता चलता है, और इस यात्रा से अपन लोगों की बुद्धि का पता चलता है, अपन लोगों को क्या करना है, अपने गोल का पता चल जाता है इससे, और अपने अंदर का जो हेजिटेशन है वो भी बाहर निकल जाती है, इसलिए हम लोगों को घूमना चाहिए। यात्रा में बहुत से लोग समझते हैं कि अगर हम यात्रा करेंगे तो हम अपने आप को सुधरें, और साथ ही कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हमें यात्रा में बहुत परेशानी होती है, कठिनाइयाँ होती हैं, तो वो यात्रा नहीं जाना चाहते, लेकिन मेरा मानना है कि यात्रा हमको एक बार नहीं, बार बार अपन लोगों को लगभग एक वर्ष में लगभग दो बार यात्राएं ऐसी करनी चाहिए जो खुद डिपेंड होकर जाना चाहिए, और लगभग यही सोचना चाहिए कि हम जहाँ भी जाएँ वहाँ के कल्चर जो वहाँ का रहन सहन है, वेशभूषा है, जो खान पीन है, उन सब की जानकारी लेकर हमें अपने आप में ढाल लेना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि हमको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। वही कहना कि जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती जाएगी घर वालों से भी सुनना पड़ेगा कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो फिर आपको भी अंदर से ऐसा लगे कि हमें भी मतलब बाहर निकलना है, ज़्यादा नहीं तो कुछ ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपना और अपने घर वालों का पेट पालना पड़ेगा। तो इसीलिए जब जैसे हम लोग को जानकारी होगी, जैसे अदर स्टेट में जाते हैं वहाँ की लैंग्वेज और है, इससे पहले अगर आप कभी भी आपने यात्रा नहीं की है तो शायद हो सकता है कि आपको बहुत सी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और यह बिल्कुल सत्य है, यह तो मानना पड़ेगा कि जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति सामने से आया अपन लोग सोचेंगे कि क्या बात करें इससे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जैसे भी हो मतलब अपनी भाषा में पहले अपनी भाषा में बात करना चाहिए, अगर उससे अपनी भाषा समझ आ रही है तो ठीक है, अगर फिर उसकी भाषा को अपन को सुनना चाहिए, अगर हम लोग जैसे ही थोड़ी बहुत बोल सकते हैं तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए ताकि वो अपनी भावना को समझ सके, और ऐसा नहीं है लगभग बाहर जाएंगे तो जो हिंदी लैंग्वेज लगभग सभी लोगों को जानकारी होती है, और फिर वो क्या है ना कि जैसे अपन जाएंगे तो जैसे हमको जानकारी नहीं है तो जैसे बाहर जाते हैं ऑटो वाले होते हैं वो आते ही पूछते हैं भैया कहाँ चलना है आपको, फिर आप बोले नहीं नहीं हम वहाँ नहीं जाना है, फिर आप उनसे पैसों की बात भी पूछते हैं, अब वो कहेगा नहीं हमको 200 नहीं नहीं हमको 100 रुपये देंगे, तो मतलब इस तरह की लैंग्वेजों का भी हम लोग उपयोग करके और साथ साथ अपने अंदर का जो भय है उसको भी समाप्त कर सकते हैं, इसीलिए यात्रा तो करनी चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ क्या हो रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो बहुत कुछ नया देखने को मिलता है, सब आ जाते हैं, तो सर यात्रा से मतलब यात्रा करनी चाहिए हम लोगों को, और यात्रा नहीं करेंगे तो अपना गोल का पता नहीं लगेगा, इसलिए हमको यात्रा करनी चाहिए। सीधा है, कहीं जाना है उसके बारे में बताना, ठीक है, कहीं जाना है जाते कैसे हैं उनके बारे में जो भी करना चाहिए, जैसे कि बड़े होकर कहीं कमाने या जॉब करने के लिए जाते हैं तो थोड़ी सी आप यात्रा करेंगे तो सीख मिलती है कि जाना कैसे है, कैसे रुकना है, कहाँ पर खाना पीना है, हमें यात्रा करनी चाहिए, हमें यात्रा से बहुत ही अनुभव होता है, बातचीत का भी हमें अनुभव होता है, और यात्रा करने से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, कहाँ कैसा क्या हाल चाल है सबका पता चलता है, करना चाहिए, बहुत सारी जानकारी मिलती है, पता चला कि घर से निकले बाहर जाने के लिए जॉब करने या पैसे कमाने के लिए तो बहुत सारी जिम्मेदारी है संभालने के लिए, और कौन यात्रा करनी चाहिए, यात्रा से जो है हमारा माइंड खुलता है, तो यात्रा करने से हमें वहाँ के रहन सहन का पता पड़ता है, तो यात्रा करेंगे जितनी ज़्यादा यात्रा करेंगे तो उतना ज़्यादा ही अपना माइंड खुलेगा और वहाँ के रहन सहन का अपन को पता पड़ेगा, तो जैसे आप कहीं जाते हो तो वहाँ आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। यात्रा करने से हमारी बुद्धि का विकास होता है। बना रहे हम सबको यात्रा करनी चाहिए, इससे दिमाग का विकास होता है, ठीक है।